नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीखो गणित पर। तो आज का जो हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। AOC एंगल, एंगल BOD और एंगल AOE आपको फाइंड करना है। कब? जब एंगल COD आपको गिवेन है जो कि 90 डिग्री है, और एंगल BOE जो कि गिवेन है आपको 72 डिग्री। और ये भी कहा है कि AOB एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो फिगर में देखेंगे तो AOB यानी AOB जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो नीचे जो दो एंगल हैं उनका अगर हम सम करेंगे जो कि क्या होता है, लीनियर पेयर होता है। तो एंगल AOE नीचे है प्लस एंगल BOE नीचे है, तो इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि हम इसे कहते हैं लीनियर पेयर कहते हैं। तो लीनियर पेयर के वजह से इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब AOE जो एंगल है वो 3x आपको दे रखा है, और प्लस एंगल BOE जो गिवन है कितना, 72 डिग्री। तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 180 में से 72 माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 3 का। तो x की वैल्यू आएगी आपकी 108/3। तो डिवाइड करेंगे 3 3 9 और 3 6 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, कितनी, 36। और आप देख रहे हो कि एंगल AOC भी क्या है, x है। तो एंगल हमने क्या फाइंड कर लिया है, एंगल AOC फाइंड कर लिया है जो कि कितना आया है, 36 आया है। और एंगल AOE जो कि 3x है, तो एंगल AOE जो कि क्या था, 3x था। तो 3 का इनटू हम x की वैल्यू करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी है, 36 डिग्री। तो इनटू करेंगे तो आपका एंगल AOE कितना आ जाएगा, 108 डिग्री आ जाएगा। अब जो एंगल आपका बच गया है वो है एंगल BOD। तो आप देख रहे हो एंगल BOD कहाँ पर है, जो y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो एंगल BOD है। तो एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD, तो इन सब का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि AOB एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसके साथ जो भी एंगल बनेंगे उसका सबका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, ये सब क्या है, लीनियर पेयर में आते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लीनियर पेयर। तो एंगल AOC और एंगल COD का तो आपने यहाँ निकाल लिया है, तो एंगल AOC कितना आया है, 36 डिग्री, और प्लस एंगल COD आपको गिवेन है जो कि 90 है, और प्लस एंगल आपको BOD फाइंड करना है। तो इन सब को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे, तो एंगल BOD आ जाएगा। तो 180 माइनस कितना हो जाएगा, 90 प्लस 30, 9 10 11 12, तो 126 डिग्री यानी 126 डिग्री आपका आ जाएगा इन दोनों एंगल का सम। जब माइनस करेंगे 54 डिग्री, यानी एंगल जो BOD है वो कितना आ गया, 54 डिग्री आ गया। तो आपका एंगल BOD भी निकल गया है, और बाकी जो दो एंगल्स हैं वो अभी आपके निकाल लिए हैं। तो यही आपका क्या होगा, एंगल का सम होगा।